और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर। यूपी में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। इस पॉलिसी से निवेशकों को स्टैंप ड्यूटी में राहत मिलेगी। योगी कैबिनेट में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक और माना जा रहा है कि कई ऐसे प्रपोजल्स जिनको इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है, जिसमें सबसे अहम यह माना जा रहा है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को भी मंजूरी मिल सकती है। अब देखिए इस पॉलिसी से क्या होगा। इस पॉलिसी से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको स्टैंप ड्यूटी में राहत मिलेगी। ऐसे में बहुत संभावना है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स की संख्या में इजाफा हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वीरेश पांडे फोनलाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हैं। वीरेश, आज योगी कैबिनेट की बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं और जिस पॉलिसी का हम जिक्र कर रहे हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, इससे कितना फायदा होगा अगर इसे मंजूरी मिलती है? अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो योगी सरकार आने के साथ ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और लगभग कई इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और हजारों करोड़ के निवेश की बातें रही हैं और खासकर नोएडा और अन्य जो जिले हैं पूर्वांचल के जो पिछड़े जिले थे और बुंदेलखंड के जो पिछड़े जिले थे वहां पर निवेश को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का काम योगी सरकार ने किया है और इसमें और ज्यादा सहूलियत मिल सके, नई टेक्नोलॉजी के साथ सहूलियत मिल सके, इसके लिए प्रयासरत योगी सरकार आज कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव लाने जा रही है। हालांकि आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ साथ होम इंडस्ट्री नगर विकास समेत कई अहम विभागों के प्रस्तावों को आज मंजूरी मिलेगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो AI है, साइबर सुरक्षा है, रोबोटिक्स बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को मंजूरी मिलेगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश आने की संभावना है और जो गरीबी और बीमारू प्रदेश के रूप में यूपी की पहचान थी उसे उत्तम से सर्वोत्तम बनाने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। इसलिए आज का जो कैबिनेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है यूपी के विकास के मद्देनजर। ठीक है वीरेश, आपका शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए आज की कैबिनेट बैठक यूपी के विकास के मद्देनजर बेहद अहम।